4 और 5 जुलाई की रात्रि में यहाँ जजवार थाना के अंतर्गत एक गृह डकैती घटना घटित हुई थी। इसमें जो घर स्वामी हैं शशि कुमार उनका नाम है, उनके द्वारा प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी और ये काफ़ी संवेदनशील घटना थी, क्योंकि इस घटना के दौरान जो उनकी पत्नी थी जिनका नाम कृष्णा देवी है, उनकी गोली लगने से मृत्यु भी हो गई थी और उनके घर से जो है कुछ राशि है जिसकी डकैती की गई थी। क्योंकि मामला बड़ा संवेदनशील था, इसलिए इसमें जो एडिशनल SP ईस्ट हैं शहरयार जी, उनके नेतृत्व में एक SIT बनाई गई थी जिसमें DIU की टीम, जजवार के जो थानाध्यक्ष हैं हेमंत वो, उनके पदाधिकारी, कटरा के जो थानाध्यक्ष हैं अभिषेक वो, और इसके अलावा जो हम लोगों का DIU है उसकी पूरी यूनिट और उसके प्रभारी लाल किशोर, सभी लोग मिलकर काम कर रहे थे। इसमें हम लोगों के जितने भी आयाम हो सकते थे हम लोगों ने सारे आयाम पर अपना अनुसंधान किया, चाहे वो टेक्निकल या मोबाइल सर्विलांस हो, या फिर हम लोगों की ऑफिसल की विजिट हो, या डॉग स्क्वाड्स हो, या फिर हम लोगों का जो मैनुअल अनुसंधान का तरीका है वो भी हो। चूँकि शुरू के 10 दिन तक लगभग हम लोगों को इसमें बहुत कुछ खास लीड नहीं मिले हैं, मिल पाए, लेकिन इसके उपरांत हम लोगों को इसमें कुछ कुछ लीड्स मिलने लगी और उस लीड के आधार पर कल शाम को इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से कुछ राशि भी हम लोगों ने बरामद की है। जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं जिसमें से एक का नाम मनोहर पासवान है, दूसरे का नाम चंदन पासवान है और तीसरे का नाम चंदन ठाकुर है। ये 3 ही लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इन 3 के ही पास से हम लोगों ने 97,000 रुपया जो राशि लूटी गई थी उसको बरामद किया है। क्योंकि जो नोट थे उस नोट पे ब्लड भी लगे हुए थे, खून के दाग थे, इसलिए हम लोगों ने उसको प्रॉपर FSL भी भेजा हुआ है ताकि उसकी एनालिसिस हो पाए कि वो किसके ब्लड है। इसी घटनाक्रम में कुल मिला के अभी तक जो अनुसंधान में आया वो ये आया कि लगभग इसमें 10 लोग शामिल थे, 10 में से 3 लोग हमने गिरफ्तार किया है। एक व्यक्ति है जो कांटी के रहने वाले हैं और जिनका नाम सकल पासवान है, ये उस घटना में शामिल थे। और चूंकि वहाँ पे लोगों के द्वारा बम भी चलाए गए थे और गोली भी चलाई गई थी, उसी क्रम में एक गोली इनको भी लग गई और गोली लगने की वजह से चूंकि गोली चेस्ट में लगी थी, जैसा कि जो 3 अपराधकर्मी गिरफ्तार उनके द्वारा बताया भी गया, और लगभग 10 से 15 मिनट के अंतराल में उनकी मृत्यु हो गई। ये लोग उनके शव को लेकर वहाँ से आए और बगल में ही एक जगह थी जहाँ ये लोग इकट्ठे हुए थे, वहाँ पर उनके शव को बोरे में रखा। इसमें जो एक अपराधकर्मी है चंदन ठाकुर, ये ब्रह्मपुरा के रहने वाले हैं और पेशे से ये ऑटो ड्राइवर हैं और ये अपना ऑटो लेके गए थे और उस ऑटो में उन्होंने बोरे में शव को रखा और शव को बाद में एक नदी में फेंक दिया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं बॉडी को खोजने की। तो इसमें जो चौथे अभियुक्त थे सकल पासवान, उनकी मृत्यु हो गई। सकल पासवान की जो सकल साहब, और इसके अलावा जो उनकी धर्म पत्नी हैं उनके द्वारा कांटी थाने में इसमें प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है उनके गुमशुदा को लेकर, 3 लोगों के विरुद्ध नामजद, हम लोग उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इन लोगों का आपराधिक इतिहास हम लोग खंगाल रहे हैं। इसमें से जो चंदन ठाकुर हैं और चंदन पासवान हैं, ये लोग पहले एक बार जेल गए हैं मद्य निषेध से संबंधित कांड। मनोहर पासवान भी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और वो भी घटनास्थल पे थे। ये जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए, 3 लोग ही घटनास्थल पे थे। नहीं, सभी मुजफ्फरपुर के ही, विभिन्न थाना क्षेत्रों के हैं, कुछ कांटी के हैं, कुछ जजवार के हैं, कटरा के हैं, इसके अलावा लोकल टाउन में ब्रह्मपुरा थाना है वहाँ के रहने वाले हैं, जिसमें ये लोग कांटी में असेंबल हुए थे, इकट्ठे हुए थे 8 अपराधकर्मी, और यह 8वां अपराधकर्मी इकट्ठा होकर ऑटो से गए थे, ये जजवार गए, वहाँ पर एक अपराधकर्मी के घर में फिर 2 लोग और शामिल हुए, वहाँ से एक स्कॉर्पियो और एक ऑटो, इन दोनों ही वाहनों से ये लोग घटनास्थल पर गए और उन्होंने घटना को अंजाम दिया। जो इनका घर था जहाँ पर घटना घटित हुई थी वहीं के पास भी एक बगीचा था, इन लोगों के पास रॉ मटेरियल पहले से था, तो बगीचे में इन्होंने बहुत छोटे छोटे से जो बम होते हैं डब्बे वाले, उन बमों को भी वहाँ तैयार किया था। उसके भी कुछ एग्जिबिट्स हम लोगों को अनुसंधान के दौरान मिले हैं, उसको हम लोगों ने FSL में दिया है। वो लेटर अनुसंधान में आप लोगों को और हम लोग शेयर कर देंगे, चूँकि वो लोग अभी वांछित हैं इसलिए नाम अभी डिस्कस करना। जो रुपये लूटे गए थे वो सारे बरामद हो गए, कितने गए थे? हालांकि जो 3 अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं इनका दावा है कि 3 बंडल थे, ये लोग काउंट नहीं कर पाए हैं, और इनके अनुसार लगभग 3 लाख रुपए रहे होंगे, 2.5 से 3 लाख रुपए, क्योंकि 3 ही बंडल थे। जो वादी हैं उनके द्वारा तो आवेदन में लगभग 15 लाख की राशि दी गई है और हम लोगों ने अभी 97,000 रुपये बरामद की है, जिसमें खून के दाग भी हैं और वो संभवतः जो एक इसमें मृत हो गए हैं सकल साहनी जिनका नाम है, संभवतः उनका खून रहा होगा, ये बाकी जो FSL की रिपोर्ट आएगी उसमें क्लियर होगा। बाकी चूंकि इसमें अभी 8 में से हम लोग 3 ही लोग गिरफ्तार कर पाए हैं, 2 लोग और नाम आए हैं, तो कुल मिला के 10 में से 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, बाकी जो गिरफ्तार होंगे
उसके उपरांत उनकी बरामद